क्या देख रहा है? अरे कुछ नहीं जी, मैं तो यहाँ पे ये फ्लैट देख रहा था। देख ली, कैसी लगी? बढ़िया है ना? अरे हाँ जी, बढ़िया तो है। वैसे ये आपके हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है, मेरे ओनर की है। बताओ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जी, मैं तो बस इसे लेने की सोच रहा था। अरे क्या हुआ जसमीत, तू यहाँ क्यों खड़ी है? अरे कुछ नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि इन्हें सामने वाला फ्लैट पसंद आया, वो लेना है। क्या, इसे फ्लैट लेना? अरे क्यों टाइम बर्बाद कर रही है तू, चल यहाँ से। अरे रुको, अरे यार जब मैं यहाँ पे फ्लैट लेने आया हूँ, दो मिनट यार मेरे को फ्लैट दिखा तो दो। क्या, तेरे को दिखा दे? तेरे को पता भी है ये जो फ्लैट है ना पूरे 50 लाख रुपए का है? हाँ इधर ना एक फ्लैट ना पूरे 50 लाख रुपए का है, जो तेरी औकात से ना बहुत ज्यादा बाहर है। अरे यार मैडम, इसमें औकात की बात कहाँ से आ गई? और वैसे भी मुझे ना एक फ्लैट नहीं लेना, मेरे को पूरे 3 फ्लैट लेने हैं। आप अगर मुझे दिखा दोगी तो ये फ्लैट मैं ले लूंगा। क्या कहा तूने, तेरे को इसमें 3 फ्लैट खरीदने? अबे तेरे को पता भी है इस 3 फ्लैट की कीमत कितनी है? पूरे 1 करोड़ 50 लाख रुपए, जो तेरी औकात से ना बहुत ज्यादा बाहर है। अरे साहिल मुझे तो ऐसा लगता है जो इस बिल्डिंग के पीछे झुक गया है ना, शायद ये उसकी बात कर रहा है। हाँ जसमीत तू ना बिल्कुल सही कह रही है, और इस औकात भी तो देख, कुर्ते पजामे में आया, वो भी एक बिल्डिंग खरीदने के लिए। अरे नहीं नहीं, अरे मैं झुग्गी झोपड़ी की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरे को तो ये फ्लैट लेने हैं, मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ तुम्हारे से। अरे साहिल इसको देख, रोड पे रहने वाला करोड़ों की बात कर रहा है, ये फ्लैट ये खरीदेगा? इसकी औकात देख के ना मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये फ्लैट खरीद पाएगा। और वैसे भी तूने अपनी कभी शक्ल देखी है? ये 10 रुपए का तू कुर्ता पजामा बाजार से खरीद के लिया है, और ये 50-50 रुपए की चप्पल जो मार्केट के अंदर ऐसी बिकती है रोड पे, है ना, और तू करोड़ों के फ्लैट खरीदने की बात कर रहा है? तू क्या, तेरा बाप भी ये फ्लैट नहीं खरीद पाएगा, समझ गया? अरे मैडम ये कितनी बदतमीजी तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरे से, और ये बाप पे क्यों जा रहे हो तुम? ओ अच्छा, लड़की हो शायद इसी वजह से फायदा उठा रहे हो, और मैं आपसे इतने इज्जत से बात करे जा रहा हूँ इतनी देर से। अबे ओए मेरी ना बात सुन, जो 40 रुपए का ऑटो पकड़ के तुम यहाँ पर आया ना, उसी ऑटो को वापिस पकड़ के अपने घर चले जा, जाहिल गवार बड़ा है ये फ्लैट खरीदने वाला। अरे मैडम आप यार ये गाँव वालों को गवार जाहिल क्यों बोल रहे हो? और मैडम मेरे को ऐसा लगता है किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया और उसका गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हो तुम। और मैडम मैं आपको बता दूं, आजकल ना गांव वाले शहर वालों से आगे निकल रहे हैं, समझे आप? हाँ हाँ ठीक है। अरे राजा ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे राजा तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं भाई, मेरे को ये सामने फ्लैट पसंद आ रहे थे ना, तो मैं ये सामने वाले फ्लैट देखने आया था। अच्छा फ्लैट देखने आया, चला दिखाऊं? अरे नहीं भाई, अब मेरे को ये फ्लैट नहीं देखना, क्योंकि इन दोनों ने ना मेरी पहले से ही बहुत ज्यादा खातिरदारी कर दी, इसीलिए। खातिरदारी कर दी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हाँ भाई, इसने ना मेरी बहुत ज्यादा खातिरदारी कर दी, और ये लड़की मेरे से पता है क्या बोल रही है, कि तेरे बाप की औकात नहीं है कि तू ये फ्लैट खरीद पाएगा। क्या कहा, बाप की औकात? बाप की औकात? अच्छा राजा मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, आ तू चल मैं तेरे को फ्लैट दिखाता हूँ। अरे भाई गलती अगर छोटी मोटी हो ना तो माफ ना कर दी जाती है, पर इसने मेरे बाप के ऊपर बोला है तो ये गलती नहीं, इस गलती की इसको सजा मिलनी चाहिए। और वैसे भी तूने ना पता नहीं कैसे कैसे लोग रख रखे हैं अपने ऑफिस में काम करने के लिए। अच्छा ठीक है भाई, तू एक काम कर, तू मेरे ऑफिस पे चल, वहाँ पे चल के ठंडा पानी पी और दिमाग ठंडा कर, फिर हम फ्लैट की बात करते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, मेरे को नहीं खरीदना अब इसमें कोई फ्लैट, और जिस लड़की ने मेरे बाप की बेइज्जती कर दी और मेरी बेइज्जती कर दी ना, मैं तो वहाँ पे जमीन तक नहीं खरीदूं। और मैडम तुम क्या बोल रही थी मुझे, गांव का जाहिल गवार? अरे मैडम मैं तुम्हारे को बता दूं, जितनी सैलरी तुम इसकी कंपनी में से लेती हो ना, उससे कई ज्यादा सैलरी जो मेरे गांव में मेरे तबेले में भैंसों के जो गोबर उठाते हैं ना उनको देता हूं मैं। और रही बाप की बात, तो तुमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे बाप को बोल के उल्टा सीधा, तो मैडम मेरे बाप की ना इतनी औकात है ऐसी 10 बिल्डिंगें खरीद सकता है, समझे तुम? तुम जैसे ये 10,000-20,000 की सैलरी वाले नहीं है, हम गांव के रईस हैं। और मैडम जो भी बंदा कुर्ते पजामे में तुम्हारे को दिखे ना, उसे गरीब मत समझ लेना, वो बंदा कुर्ते पजामे में भले ही रहता है, उसको ना अपने गांव का कल्चर पसंद है, इस वजह से वो पता कुर्ते पजामे में रहता है। और ऐसा बंदा ना जाने एक झटके में कितनी बिल्डिंगें खरीद लेगा, समझे तुम? और हाँ भाई अपने वर्करों को थोड़ा संभाल, कि गाँव से जो भी आए ना उनकी इज्जत करे। चलता हूँ मैं।